हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे पास है 13RE का ड्रिल मशीन। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 13mm का ड्रिल मशीन मेरे पास यहाँ पे 800 वाट का ब्लू टेक का ये मशीन है। इसमें दोस्तों ये दिक्कत है कि इसमें ये जो स्विच रहता है ये स्विच खराब हो चुका है। ये नया मशीन में स्विच खराब हो चुका है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये जो 13RE का स्विच है तो इसको हम कैसे लगाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए ये 13RE का स्विच है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा ये जो 13RE का ड्रिल मशीन का स्विच है उसको कैसे कनेक्शन किया जाता है। जैसे कि इसमें आप देख सकते हो बहुत सारा कनेक्शन है और इसमें बहुत लोगों ने बोलते हैं कि भाई ये इसको कैसे कनेक्ट किया जाता है। कभी कभी इसको कनेक्ट करने के बाद मशीन स्लो घूमता है, सही से काम नहीं करता है, पावर सप्लाई नहीं हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं ये जो डाउट है ये क्लियर करूंगा। तो पूरा अच्छा से मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले अगर आप ये चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि इस स्विच का काम कैसा रहता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो ऊपर का पोजिशन है ये चेंजिंग का काम करता है। जैसे कि आपका लेफ्ट राइट मूव जो रहता है, लेफ्ट में घूमने का या फिर राइट में घूमने का, एंड क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज, उसका पोजिशन यहाँ पे है। तो ये जो 1 2 3 4 चार होल आपको ये मिल जाएगा यहाँ पे, ये एक कनेक्शन और ये एक कनेक्शन और ये एक कनेक्शन, ये कनेक्शन, ये कनेक्शन आपका हो गया लेफ्ट राइट पोजीशन को काम करने के लिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये दो पावर सप्लाई रहता है स्विच का। सबसे जो बोर्ड से हमारा जो पावर सप्लाई मशीन में आता है डायरेक्ट यहाँ पे, जो ये जो कॉर्ड रहता है कॉर्ड का पावर सप्लाई यहाँ पे रहता है। दूसरा आपका कॉइल का मिल जाएगा आपको यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कॉइल का कहाँ पे कनेक्शन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए इस टाइप का वीडियो आगे देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, मैं इसको खोल लेता हूँ पूरा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं खोल लूंगा तो आपको अच्छा से समझने में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा कार्बन का कनेक्शन और यहाँ पे मैं एक रख लेता हूँ कार्बन का। दूसरा यहाँ पे, यहाँ से मैं खोल लेता हूँ, ये देखिए ओके यहाँ पे भी ये हो गया। सबसे पहला चीज आपको यहाँ पे देखिए दो बड़ा तार मिलेगा, जैसे कि कॉइल में नॉर्मली जो भी आप कॉइल पकड़ लो चार्टो तार निकलता है यहाँ पे, जैसे देखिए 1 2 3 4 ओके। तो यहाँ से देखिए चार्टो तार निकलने के बाद यहाँ पे दो कनेक्शन यहाँ पे रहता है हमारा हमेशा, कि इसमें हमारा अगर ये अगर आपका डायरेक्ट होता तो ये जो दो कनेक्शन है, ये जो दो पॉइंट है, मतलब ये हमारा कार्बन का कनेक्शन है, तो ये कार्बन का कनेक्शन हो गया हमारा। ये यहाँ पे इनपुट होगा 240 वोल्ट जो हमारा मेन पावर सप्लाई रहता है, तो इनपुट होता है। सबसे पहले हम ये दोनों को कनेक्शन करेंगे और यहाँ पे हो गया आपका ये दो पावर सप्लाई के बोल। तो यहाँ ये जो दो चीज है ये इम्पोर्टेंट होता है और इसको हमको कनेक्शन है। उससे पहले तो हम क्या करते हैं, इसको कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं कनेक्शन यहाँ पे कर लेता हूँ कि सबसे पहले पावर सप्लाई, ओके पावर सप्लाई हम देखें स्विच में थे? तो यहाँ पे देखिए ये जो दो स्क्रू लगा है, हमेशा कोई भी आप स्विच ले लो यहाँ पे दो स्क्रू मिलेगा। यहाँ पे ये पहला होल में हम देखिए, ये देखिए तो पहला होल में हम यहाँ पे लगा लेते हैं, ओके तो ये हो गया पहला कनेक्शन। इसको टाइट कर लेते हैं, ये हो गया हमारा पहला कनेक्शन हमारा पावर सप्लाई का। दूसरा पावर सप्लाई यहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ देखिए, ये देखिए यहाँ पे देखिए स्क्रू टाइट करेंगे तो यहाँ पे स्क्रू हमको दिखाई जाएगा। तो ये जो पॉइंट है तो इसमें हम लगाएंगे पावर सप्लाई, ओके ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा जूम कर लिया हूँ, तो यहाँ पे देखिए पहला कनेक्शन में यहाँ पे दे दिया, ये जो स्क्रू है इसमें कनेक्शन दे दिया। दूसरा कनेक्शन हमको यहाँ पे देना है, ओके ये जो स्क्रू है इसको हमको ढीला करना है, ढीला करके यहाँ पे आपको एक कनेक्शन देना है, ओके ये जो ये देखिए ये कनेक्शन हम यहाँ पे दे दिया, फिर इसको टाइट कर लिया। अभी हो गया दोस्तों हमारा स्विच में पावर सप्लाई। अगर हम इसको स्विच लगाएंगे तो इसमें यहाँ पे अगर मैं ये कनेक्शन बोर्ड में दूंगा 240 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा स्विच में, ओके स्विच प्रेस करोगे तो आ जाएगा। अभी हमको क्या करना है, नेक्स्ट हमको क्या करना है, तो अभी दोस्तों हम दो पॉइंट हम दे दिया स्विच में, स्विच का ये हो गया हमारा 240 वोल्ट यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, कॉइल के पास जाएंगे, यहाँ पे तो पावर सप्लाई आ गया हमारे स्विच में, कॉइल में हम जाएंगे, कॉइल में हमको दो पॉइंट मिलेगा यहाँ पे देखिए पावर सप्लाई का और दो पॉइंट हमका आउटपुट, जिसमें आपको क्या करना है कार्बन कनेक्ट होता है कोई भी आप मशीन लो। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो मेरे पास है 600 कॉइल, 600 में भी आपको दो पॉइंट आपको मिल, चार पॉइंट मिल जाएगा, दो पॉइंट आपका ये देखिए पावर सप्लाई का, ये देखिए बड़ा वाला पावर सप्लाई का और छोटा वाला हमेशा लगता है आपका जो ये कार्बन होल्डर में, कार्बन
स्विच का काम क्या रहता है, कैसे हम हमारा ये जो रिवर्स फॉरवर्ड का ऑप्शन कैसे चालू होता है, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे दो जो पॉइंट मिलता है, ये बड़ा वाला, तो इसमें इन पावर सप्लाई जाता है अंदर कॉइल में, तो यहाँ पे आउटपुट ये हमारा आर्मेचर में ये कार्बन के थ्रू आर्मेचर में कनेक्ट होता है। तो इसको हमको बाद में देखना है, तो मैं आपको जैसे कि एग्जांपल के लिए देखा लिया। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको इसमें पावर सप्लाई देना है, फिर ये जो दो पॉइंट कार्बन में होके ये आपका आर्मेचर में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो दो पॉइंट इसको अभी छोड़ लीजिए, इसमें अभी हमारा कोई काम नहीं है। अभी हम क्या करेंगे, पावर सप्लाई देंगे यहाँ पे, ये तो आ गया हमारा स्विच में 240 वोल्ट। फिर अभी हमको क्या करना है, कॉइल में देना है। कॉइल में देने के लिए आपको देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्विच को ऑन करना है, प्रेस करना है। यहाँ पे मैं आपको कंटिन्यूटी टेस्टर में दिखा दूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास है कंटिन्यूटी टेस्टर। अभी हम क्या करेंगे, देखेंगे स्विच, देखिए स्विच अभी ऑफ है, तो ये जो पहला पॉइंट है यहाँ पे देखिए, ये स्विच का नीचे वाला पोजिशन देखिए। ओके, ये है, सीधा मैं स्विच कर रहता हूँ, नीचे वाले आपको ये यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा। और यहाँ पे देखिए, मैं अभी स्विच ऑफ है, देखिए कोई भी कनेक्शन ऑफ है, ये ऑन हुआ, तो अभी मैं उसको ऑफ कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, हमेशा एक स्विच जो रहता है, ये कनेक्शन जो रहता है, ये डायरेक्ट रहता है। ये देखिए कंटिन्यूटी टेस्टर जल रहा है। ओके, तो यहाँ पे ये जल रहा है, तो ये दो पॉइंट में आपको ये डायरेक्ट रहता है। तो हमेशा क्या आपको क्या करना है, कि ये जो दो कनेक्शन रहता है कॉइल का, जो इनपुट रहता है अंदर जो जाता है, ये तो इसको आपको यहाँ पे लगाना है। कोई भी आप कनेक्शन यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे कि आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए एक इसके पास में जो कनेक्शन है वो इसको आपको लगाना है। ओके, ये दोनों से कोई भी आप लगा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हम जाएंगे क्या, ये जो दूसरा पॉइंट जो बचा है, ये देखिए ये छोटा वाला तार, इसको छोड़ दीजिए, ये जो मेन कनेक्शन है। तो अभी हमको क्या करना है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक कनेक्शन है, ये मेन स्विच का ऑन ऑफ का काम है। तो यहाँ पे ये जो कनेक्शन है उसका कनेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। देखिए मैं अभी स्विच ऑफ है, तो अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, यहाँ पे नहीं जलेगा, कंटिन्यूटी नहीं शो करेगा। यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये कंटिन्यूटी शो करेगा, ये देखिए। तो मतलब यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ का काम यहाँ पे होता है, एक ही पॉइंट का काम रहता है। जैसे कि ये देखिए ऑफ हुआ, ये नहीं जल रहा है, तो ऑन में करूंगा तो ये जलेगा। ओके, तो अभी हमको क्या करना है, स्विच को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे एक पॉइंट देना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मैं इसको पॉइंट यहाँ पे लगा रहा हूँ, थोड़ा टाइट होगा, आप इसको नोज प्लस में भी आप लगा सकते हो। यहाँ पे हो गया एक पॉइंट। ओके, ये हो गया आपका स्विच का काम, हो गया आपका ये ऑन ऑफ का काम हो गया। अभी दोस्तों स्विच का कनेक्शन हो चुका है, और कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपका रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच का काम करेंगे। सबसे पहले हम देखिए, दो पॉइंट निकला है, एक नीचे से निकला है और एक ऊपर से निकला है। हमेशा यहाँ पे देखिए, नीचे वाला पॉइंट आपको लगाना है, ऊपर वाला पॉइंट पे आपको लगाना है। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दो कनेक्शन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये भी एक चीज है, मतलब यहाँ से ये कटिंग हुआ के आपको रिवर्स फॉरवर्ड का ऑप्शन मिलेगा, ये देखिए। ओके, ऐसे ही रहता है। तो अभी हमको इसको छोड़िए, तो यहाँ पे देखिए आउटपुट जो रहेगा आपका कॉइल का, जो आउटपुट है तो यहाँ पे लगेगा। तो इसका यहाँ पे ही ये इम्पोर्टेंट है, बहुत लोगों ने यहाँ पे काम नहीं कर पाते, तो इसलिए बहुत लोगों ने कॉल करते हैं कि भाई ये क्या, कैसे हमको फिटिंग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मैं जो कॉइल का आउटपुट देखिए यहाँ से नीचे से लिया हूँ, कॉइल का यहाँ से, ये देखिए कॉइल का इनपुट यहाँ पे मैं कनेक्शन दे दिया, इनपुट यहाँ पे कॉइल का इनपुट हो गया, कॉइल का आउटपुट आके आर्मेचर में लगेगा। ये देखिए ये दो जो कनेक्शन है, तो ये है इम्पोर्टेंट। तो अभी आपको क्या करना है, ये जो रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच है इसमें आपको लगाना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, रेड वाला पोजिशन रहता है जो यहाँ से निकलता है, इसको हमको यहाँ पे नीचे वाला पोजीशन में लगाना है, नीचे वाला होल में लगाना है। ओके, ये देखिए कनेक्शन नीचे वाला यहाँ पे लगा लिया। फिर ऊपर में आपको क्या करना है, रेड वाला यहाँ पे देखिए आप यहाँ पे लगाओ, तो ऊपर में आप कोई भी पोजीशन यहाँ पे लगा सकते हो। यहाँ पे देखिए ये लगा लिया ऊपर में, लेकिन ये जो लगा लिया मैं उसको, इसको आपको यहाँ पे लगाना है। देखिए यहाँ से निकला है, तो इसको आपको उसके अपोजिट साइड में लगाना है, जैसे कि आप यहाँ पे। ओके, तो ये पहला पॉइंट यहाँ पे, यहाँ से निकला, मैं यहाँ पे लगाया, फिर उसका यहाँ पे लगा दिया। ये हो गया आपका, समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए, जो पहला यहाँ से इनपुट, मैं इनपुट दिया हूँ यहाँ पे, और आउटपुट आएगा कॉइल के आर्मेचर में जाएगा, तो यहाँ से मैं लगा लिया। फिर उसके ऊपर में आपको मिलेगा ये जो तार, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, उसके ऊपर में लगाना है। यहाँ पे देखिए, उसका अपोजिट साइड में इसको आपको यहाँ पे लगाना है। ओके, तो ये देखिए कॉइल से जो निकला है, ये देखिए मैं दे दिया, कॉइल से जो आउटपुट निकला है उसका ऊपर, मतलब ये ऊपर में लाएगा, मतलब ये देखिए ये नीचे लगाया था, तो ये ऊपर में लाएगा। ओके, तो फिर उसी का आपको आउटपुट देना है
आर्मेचर में, तो इसको आपको यहाँ पे लगाना है। ये देखिए थोड़ा इसको घुसा लेता हूँ। इसको आपको यहाँ पे लगा देता है। ओके ये हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, उसके नीचे वाला आप पोजीशन में देना है। ये देखिए इसके नीचे वाला जो होल रहता है इसमें आपको लगाना है। ओके ये लग गया। दोबारा मैं बता रहा हूँ, कॉइल से जो देखिए, कॉइल से जो इनपुट मैं दिया हूँ, ये देखिए कॉइल का इनपुट यहाँ पे स्विच में लग गया, एक डायरेक्ट हो गया, इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, और दूसरा यहाँ पे हो गया। नेक्स्ट आपका कॉइल का एक आउटपुट आपको यहाँ पे देना है, उसका इनपुट आपको देना है। कॉइल का ये आउटपुट हो गया, और स्विच का इनपुट मतलब जैसे कि कार्बन होल्डर एक कनेक्शन यहाँ से करना है। ये देखिए ओके यहाँ से कर दिया तो यहाँ पे लग गया। ओके इसका अपोजिट साइड में ये देखिए, तो एक देखिए कॉइल का आउटपुट यहाँ पे लग गया, उसका इनपुट आपको यहाँ से देना है। ये लग गया। फिर नेक्स्ट आपको क्या करना है, कॉइल का आउटपुट, दूसरा एक कॉइल का आउटपुट यहाँ पे देना है नीचे वाला पोजीशन, उसका इनपुट आपको यहाँ पे देना है। ये हो गया। अभी आपको क्या करना है, इसको फिटिंग करना है। ये पूरा आसान सा तरीका है, आसान सा काम है, आप कोई भी ये कर सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। हम इसको लगा लेते हैं। तो ये लग गया। अभी हम क्या करेंगे, नॉर्मली ऊपर वाला कवर दे देंगे। लॉक होना चाहिए, सब कुछ आप थोड़ा चेक कर लीजिए ताकि ये स्विच परफेक्टली फिटिंग हो जाए। अभी आपको इसको फिटिंग करना है। ये हो गया। इसको मैं नॉर्मली टाइट कर लेता हूँ, मैं आपको दिखा। अभी देखिए रिवर्स में घूम रहा है, तो यहाँ पे फॉरवर्ड करूंगा, यहाँ पे फॉरवर्ड भी हो रहा है, और फिर मैं दिखाऊंगा। तो देखिए रिवर्स, ये मैं स्क्रू टाइट नहीं किया हूँ, तो ज्यादा मैं चला नहीं सकता हूँ। यहाँ पे धीरे कीजिए, फिर फॉरवर्ड हो रहा है। फिर आपको खोल के दोबारा दिखा रहा हूँ। ये देखिए पूरा आसान सा तरीका है, कोई भी कर सकता है, इसमें बस थोड़ा नॉलेज की जरूरत होगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो ऐसे कीजिए, हो जाएगा ये। ये निकल गया। यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहला चीज आपको मैं दोबारा खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए कॉइल का जो आउटपुट रहता है, मैं आपको थोड़ा खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए मैं दोनों कार्बन को खोल लिया, यहाँ पे मैं दोबारा समझाऊंगा आपको, ताकि बहुत लोगों ने कॉल करते हैं कि इसका समझ में नहीं आ रहा है। बहुत वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, फिर भी लोगों बंदे को समझ में नहीं आ रहा है, तो हमको इसके ऊपर दोबारा काम करना पड़ा मुझे। ये छोड़िए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला चीज यहाँ पे देखिए, कॉइल से जो आउटपुट, देखिए इनपुट मैं यहाँ पे दिया हूँ कॉइल से, देखिए दो पॉइंट कॉइल से जो पावर सप्लाई होता है, कॉइल से मैं पावर सप्लाई दे दिया, और यहाँ से देखिए, और दूसरा चीज है ये देखिए, ओके ऐसा ही फिटिंग किया जाता है। ओके तो पहला हो गया आपका कॉइल का जो आउटपुट, यहाँ पे हो गया। फिर उसके बगल में आपको इनपुट देना है आर्मेचर का। ओके आर्मेचर का इनपुट मतलब यहाँ पे जो कार्बन होल्डर देना है, और इसी को उसके अपोजिट साइड में यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे कॉइल का आउटपुट आया है, तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ पे पावर सप्लाई देना है। ये हो गया आपका आर्मेचर का मतलब कार्बन होल्डर। फिर नीचे वाला यहाँ पे देखिए, आर्मेचर का कॉइल का आउटपुट आया है, फिर मैं इनपुट यहाँ पे दिया हूँ जो आपको यहाँ पे लगेगा। देखिए यहाँ से निकला है, तो यहाँ पे ये कार्बन होल्डर लगेगा, जैसे कि आपको मैं फिटिंग करूंगा। देखिए कॉइल का यहाँ पे, देखिए कॉइल का आउटपुट यहाँ पे आया है, तो इसको हमको यहाँ पे फिटिंग करना है। ओके मैं आपको फिटिंग कर देता हूँ।
ओके ये हो गया। फिर आपका यहाँ देखिए कॉइल का आउटपुट यहाँ से आया है, एक चीज यहाँ पे कॉइल का आउटपुट यहाँ से आया है तो इसको हमको यहाँ पे फिटिंग करना है, जो कार्बन होल्डर रहता है इसको हमको यहाँ पे फिटिंग करना है। ओके तो ये चीज ये हो गया, और कोई इशू नहीं है इसमें, पूरा परफेक्ट तरीके से इसको आपको काम करना है इसमें इसके ऊपर, और मैं आपको चला के भी दिखा चुका हूँ। तो ये चीज है और कोई इशू नहीं है, बस एक नॉर्मल सा चीज है, आप इसको कर सकते हो कनेक्शन कहते होता है। तो दोस्तों चैनल में को सब्सक्राइब कीजिए, इस टाइप का वीडियो देखना है तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, क्या इसके आपको जानकारी मिला तो जरूर बताइए। और कोई भी पेपर की जरूरत है नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, स्विच हो गया आपको कोई भी इसमें गियर आर्मेचर कॉइल सब कुछ आपको मेरे वेबसाइट में मिल जाएगा, जाके चेक कर सकते हो। थैंक यू।